साल 2014 के चुनाव में वाराणसी में मुकाबला दिलचस्प रहा। एक तरफ नरेंद्र मोदी तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल, लेकिन काशी की जनता का भरोसा मोदी में ही दिखा और भारी मतों से नरेंद्र मोदी ने विजय प्राप्त की। साल 2014 के बाद अब क्या साल 2019 का लोकसभा चुनाव भी दिलचस्प होने वाला है? क्या दो बड़े नेताओं के बीच वाराणसी में मुकाबला होने वाला है? क्या फिर से इस सीट पर कांटे की टक्कर दिखेगी? क्या इस बार माँ गंगा ने किसी और नेता को भी बुलाया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रियंका गांधी ने जन्म दिया है। उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी इन दिनों जी जान लगाकर मेहनत कर रही है। जो जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दी है बखूबी उसे निभा रही है। बुधवार को प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी के चुनावी क्षेत्र अमेठी में रही, वहीं गुरुवार को वो पूरे दिन अपनी मां सोनिया गांधी के क्षेत्र रायबरेली में रही। रायबरेली में प्रियंका ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। जो बातें वहां पर हुई वो दिलचस्प रही। रायबरेली में कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने प्रियंका से कहा, प्रियंका जी आप चुनाव लड़िए, इससे पूरे पूर्वांचल में पार्टी के हक में जबरदस्त हवा बनेगी। इतना सुनते ही प्रियंका ने मजाकिया लहजे में कहा, वाराणसी से लड़ जाऊं क्या? ये बयान कोई मामूली बयान नहीं है, इसके कई मायने निकाले जाने लगे हैं। भले ही इस बयान का अंदाज कुछ हो, लेकिन जिस सीट का जिक्र किया गया है वो कोई मामूली सीट नहीं है। उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों को छोड़ सीधे सीधे वाराणसी का ही नाम लेना बहुत कुछ बयां करता है। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद वो पहली बार आई हैं, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। उन्होंने निर्देश दिया कि मैं हर बार की तरह इस बार अमेठी में समय नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे पूरा प्रदेश देश देखना है। आप लोग अमेठी देखिए और राहुल जी को जिताइए। और इस बार प्रियंका जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी वो अपने घर पे दे दी है, अपने परिवार को दी है। वैसे कार्यकर्ताओं की ओर से बार बार प्रियंका को चुनाव लड़ाने की मांग की जा रही है। इस बार प्रियंका के जिम्मे है पूर्वी उत्तर प्रदेश, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो मोदी के साथ साथ योगी का गढ़ है। हालांकि प्रियंका की यूपी में एंट्री होते ही बीजेपी के खेमे में हलचले भी दिखाई दी। अगले कुछ दिनों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि वाराणसी में पीएम मोदी के सामने आखिर कौन होगा उम्मीदवार। क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ उम्मीदवार होगी? क्या प्रियंका की उम्मीदवारी को महागठबंधन का समर्थन मिलेगा? इन सारे सवालों पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि इस बार मुकाबला खुद को माँ गंगा का बेटा बताने वाले नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की ओर से गंगा की बेटी के तौर पर प्रोजेक्ट की जा रही प्रियंका गांधी के बीच होगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए YouTube पर न्यूज तक को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, 2019 की हर खबर, हर चुनावी खबर सिर्फ न्यूज तक पर। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए।